अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं सबिया नज़ीर प्राइमरी स्कूल जेची मोहल्ला से। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जो दिया गया है क्लास थर्ड ईवीएस से, और जिसका नाम है गेम्स वी प्ले। गेम्स का मतलब होता है खेल, प्ले का मतलब होता है खेलना। गेम्स वी प्ले, खेल जो हम खेलते हैं। ऑल द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग स्टेपो हॉप स्कॉच इन द लेन। सब बच्चे हॉप स्कॉच खेल रहे थे। ए अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेयर आल्सो प्लेइंग। अवंतिका और उसकी बहन नंदिता जो हैं वो भी खेल रही थी। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। लेकिन नंदिता जो है वो अच्छी तरह से खेल नहीं खेल पा रही थी। अवंतिका, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे गौर से सुनो। नंदिता नंदिता अंडरस्टैंड द गेम, नंदिता को कहती है अवंतिका कि आप अच्छी तरह से मेरी ओर सुनो, आप इस गेम को, इस खेल को पहले समझो। थ्रो द मार्कर थिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स, पहले आप ये मार्कर जो है जिसे थिप्पी कहते हैं, ये पहले आप पहले वाले बॉक्स में डालो। देन ऑन वन लेग जम्प ओवर दिस बॉक्स इन टू द नेक्स्ट वन, फिर आप दूसरे बॉक्स में जंप करो, एक लेग के ऊपर दूसरे बॉक्स में जंप करो। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टूगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्कड 4-5 एंड 7-8। तो आप ये भी ध्यान रखना कि जिन बॉक्सेस को 4-5 यहाँ पे जो दिया गया है, 4-5 या 7-8, इन बॉक्सेस में आप क्या कर सकती हैं, दोनों जो पाँव हैं वो नीचे रख सकती हैं। टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स, और आपको ख्याल रखना है कि ये लाइन्स जो दी गई हैं, ये वाली, इन पे आपको जो पैर जो है वो नहीं रखना है। If it touches, you are out of the game. अगर आपका पैर इन lines को touch करेगा तो आप game से out हो जाएंगी। When you reach the last box, turn around. जब आप last box में पहुँचेंगी, यानी कि इस वाले में 7-8 पे, तो फिर आपको वापस मुड़ना है। When coming back, pick up marker and bring it back. और फिर जब आप वापस जाओगी तो आपको ये marker उठाना है और वापस लाना है। Now throw the marker in the next box, और फिर आपको दूसरे बॉक्स में मार्कर डालना है। Similarly keep throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game. इसी तरह आपको ये मार्कर जो है एक एक करके सभी बॉक्सेस में डालना है और फिर आपको ये गेम खेलनी है। तो बच्चों आपने देखा होगा, आप अक्सर अपने स्कूलों में ये गेम खेलते हैं, तो वैसे ही ये गेम है कि बॉक्सेस जिसमें मार्कर होता है उसे टच नहीं करना होता, उसकी लाइन को टच नहीं करना होता, क्योंकि उससे फिर हम आउट हो जाते हैं गेम से। The children started playing game again. बच्चे जो हैं वो फिर से खेलने लगे। Since long चाची was watching them play और उनकी चाची जो है वो काफ़ी टाइम से उन्हें खेलते देख रही थी। She too felt like playing with them. उन्होंने भी सोचा कि वो भी इनके साथ खेलें। She could not keep herself from asking, can I play with you? वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने कहा कि क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। The children laughed aloud. बच्चे जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अवंतिका, चाची यू विल प्ले, अवंतिका कहती हैं चाची क्या आप खेलेंगी। चाची, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच। चाची कहती हैं कि क्या आपको नहीं पता कि क्या आप सोचती हो कि मुझे नहीं पता कैसे खेला जाता है। एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स, जब हम आपकी उम्र के थे हम बहुत सारी गेम्स जो हैं, बहुत सारे खेल जो हैं खेलते थे। नंदिता, विच गेम डिड यू प्ले चाची, आप कौन सी गेम खेलती थी चाची। चाची, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, सेवन टाइल्स एंड सो मैनी मोर, बहुत सारे गेम्स हम खेलते थे, जैसे लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई जिसे हम कहते हैं, ये सारी गेम्स जो हैं हम उस टाइम पर खेलती थी, कब भी खेलती थी। अवर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 villages, हमारी जो टीम थी वो 10 गाँव में सबसे ज़्यादा अच्छी टीम थी। रजत, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता था। वी हैड हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले, हमें तो बहुत कम टाइम मिलता है खेलने के लिए। चाची, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, चाची कहती हैं कि आप तो दिन भर टीवी देखते रहते हो। नंदिता, चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम्स टू, तो नंदिता पूछती है चाची से क्या चाचा भी ये सारी गेम्स खेलते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।